वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, थंबनेल पे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, थक के बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आज का लेक्चर स्पेशली आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है। और आप लोग जो गलती कर रहे हैं, जनरली जो स्टूडेंट गलती कर देता है जिसके कारण उसका एग्ज़ाम पे सिलेक्शन नहीं हो पाता है या वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाता है एग्ज़ाम्स के लिए, गाइज आज के इस लेक्चर पे मैं आप लोगों के साथ यही सब बातें डिस्कस करने वाला हूँ। इस लेक्चर को पक्का से सुनिएगा, अपने प्रीशियस टाइम में से कुछ टाइम इस लेक्चर को पक्का से दीजिएगा, ताकि आप लोग भी अगर ये गलती कर रहे हैं तो गाइज आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सी, एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करता हूँ, नॉर्मल 100 में से 90 स्टूडेंट्स हैं जो सेम गलती कर रहे हैं, और जो 10% है वही है जो सिलेक्शन ले रहे हैं और जो ये गलती नहीं करते हैं। सी, होता क्या है, अभी तक SSC CGL का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो क्या है, मोस्ट ऑफ दी जो क्राउड है वो क्या बोल रहा है कि यार मैं RRB की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, मैं तो SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहा हूं, अभी क्या है नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है गाइस, नोटिफिकेशन तो आना है ही है, आप लोगों को पता है ये बात, ठीक है, आज नहीं तो एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद नहीं तो 2 हफ्ते बाद, तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करूंगा, ये लॉजिक, सबसे पहले तो ये लॉजिक समझ में नहीं आता है। दूसरा बात क्या होता है गाइस कि नोटिफिकेशन आ जाता है ना जिस दिन, उस दिन तो बहुत ज़्यादा मतलब एंथुजियाज्म में रहता है बच्चा, एकदम फुली पम्प्ड रहता है कि यार इस बार क्या फोड़ दूंगा पेपर को, क्लियर, इस बार सी अगर प्री एग्जाम 200 नंबर का है तो वो ये नहीं सोचता है कि 200 में से मैं 150-160 ले आऊं, सोचता है 200 में से 200 लाऊंगा, एग्जाम फोड़ दूंगा, ठीक है, और बस एकदम से मतलब पम्प्ड अप हो जाएगा। बट कुछ ही दिन पे गाइस पंप जो लेवल एंथुजियाज्म का था ना, जो लेवल पहले 100 लेवल पे था, वो 3-4 दिन बाद 50 लेवल पे आ जाता है, ठीक है, और 3-4 दिन बाद 40 लेवल पे आ जाता है, और कुछ टाइम बाद क्या होता है गाइस, कुछ टाइम बाद बोलने ऐसे लग जाएंगे यार SSC CGL का नोटिफिकेशन आ गया, टाइम तो अब बचा नहीं है, अब रेलवे का नोटिफिकेशन आएगा तो उस पे दिखाऊंगा क्या कर सकता हूं मैं, राइट। सी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम है गाइस कि सीरियसली किसी चीज की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि सीरियसली एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी RRB NTPC का एग्जाम है गाइस, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली हुई है, इतनी बल्क पे वैकेंसीज आ रखी है, 36,000 प्लस वैकेंसीज है ना, 35,500 समथिंग वैकेंसीज है, तो इतनी बल्क वैकेंसी आने के बाद जो स्टूडेंट ये सोच रहा है कि वो इसकी प्रिपरेशन नहीं, SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहा है, इसके लिए वो नहीं पढ़ेगा गाइज, आप जो है अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। सी, SSC CGL और NTPC RRB का सिलेबस सेम है, सेम सिलेबस बोलूं तो मैं बोल देता हूं कि अगर SSC CGL 100 है तो RRB NTPC का सिलेबस 30 नहीं है उसके सामने, ठीक है। इनफैक्ट जो एक स्टूडेंट जिसने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है गाइज, अभी तक आप लोगों ने कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दिए हैं, इनफैक्ट अभी भी आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप लोग RRB NTPC के एग्जाम को 100-200% क्लियर कर सकते हो, ठीक है। RRB NTPC का एग्जाम का मैंने पिछले साल के पेपर देखे, उन्हें मैंने सॉल्व किए गाइस, इतना सिंपल पेपर आता है गाइस कि आप लोग सीरियसली बता रहे हो मेहनत कर लो, 2 महीने मेहनत कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। मेरे पास अब ये तो आया नहीं मेरे हाथ में डंडा और मैं आप लोगों की पिटाई करके बोलूं कि नहीं पढ़ाई करो, ठीक है। अब आप लोग बड़े हो चुके हो, इतने समझदार हो चुके हो कि आप लोगों को पता है कि आगे आपने लाइफ पे क्या करना है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया है तो गाइस डिसाइड कर लो, अगर आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो जो अपॉर्चुनिटी अभी आ रखी है, ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज सी इतनी सारी वैकेंसीज है अभी मार्केट पे, RRB ग्रुप डी पे अगर आप लोग देखोगे 1 लाख प्लस वैकेंसी है, RRB NTPC में वैकेंसीज है, SSC CGL का नोटिफिकेशन आ जाएगा उस पे वैकेंसी है, तो लगभग लगभग 2 लाख प्लस वैकेंसीज है, तो एक
अच्छा बच्चा, ठीक है, जो सीरियस हो के प्रिपरेशन कर रहा है गाइस, उसके लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को फोकस कर रहा हूँ कि गाइस प्रिपरेशन कर लो, प्रिपरेशन कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा इस बार पक्का से कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या कर रखा, सी, अब बच्चा बोलता है कि सर नोटिफिकेशन आ गया है, अब मेरे पास टाइम नहीं है। सी, मतलब क्या होता है ना, डीमोटिवेट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अगर कोई सपोर्ट नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, तो एक डीमोटिवेशन का फैक्टर भी बहुत जल्दी से आने लग जाता है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आता है, तो ऐसा लगता है कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, या मुझसे नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। सी, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको समझ में ना आए, बट एग्जाम्स पे इसीलिए क्या है, खाली एक टॉपिक से पेपर नहीं आते हैं, अलग अलग टॉपिक से आप लोगों के पेपर आ रहे हैं। तो एक टॉपिक समझ में ना आए तो कोई नहीं गाइस, दूसरा टॉपिक पढ़ो, कुछ तो समझ में आएगा, अपनी तरफ से तो 100% करो। सी, अब मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सिलेबस है वो काफी बेसिक सिलेबस है, ऐसा सिलेबस है कि जिसे आप लोग खुद पढ़ के, जो आरआरबी में अब मेजर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेजर प्रॉब्लम जो आ रही है बच्चे को, मैथ्स को लेकर नहीं आ रही, जो एसएससी सीजीएल का है उसे मैथ्स को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, उसे रीजनिंग को लेकर प्रॉब्लम नहीं है। और एक बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आरआरबी एनटीपीसी में इंग्लिश का पेपर है नहीं, तो अगर इंग्लिश पे इतनी अच्छी कमांड नहीं है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस। सी, समझो, अब आरआरबी एनटीपीसी पे इसीलिए मैंने क्या किया गाइस, मैंने आप लोगों के लिए टाइम टेबल बनाया आरआरबी एनटीपीसी का। जितने लोग उसे फॉलो कर रहे होंगे टाइम टेबल के शेड्यूल को गाइस, वो लोग देख रहे होंगे कि कितना जल्दी और कितने आराम से आप लोग सिलेबस कवर कर रहे हो। ठीक है, इतना आसान होता है सिलेबस कवर करना, कोई मुश्किल नहीं है। दिन का अगर आप 4 से 5 घंटा भी सीरियसली एकदम पढ़ाई कर लेते हो तो आरआरबी एनटीपीसी आप लोगों का है। क्या है गाइस, इस पे एक जीके है, ठीक है, मैथ्स है और रीजनिंग है, मैथ्स है और रीजनिंग है, इंग्लिश नहीं है, क्लियर। अब एक बात बताओ, आरआरबी एनटीपीसी का रीजनिंग का पेपर आप लोग एक बार सॉल्व करके देखना गाइस। मैं बता रहा हूं, मैं आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी का पूरा रीजनिंग, ना पूरा रीजनिंग 1 घंटे के एक लेक्चर पे कंप्लीट कर सकता हूं, जिसपे आरआरबी एनटीपीसी में जितने रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे आप लोग उन सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, क्लियर गाइस। तो उसमें कुछ है ही नहीं यार, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, सिलॉजिज्म पढ़ लेना है, थोड़ा बहुत पजल्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है, और नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ लेना है, ब्लड रिलेशनशिप पढ़ लेना है, बस खत्म, बाकी कुछ है ही नहीं। अब पढ़ोगे क्या, उसमें कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं, जितने भी लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं कि गाइज रीजनिंग के अगर टॉपिक क्लियर नहीं है, कोई टॉपिक है जिसपे कि बिल्कुल भी बेस नहीं है, तो आप लोग क्या करो, आप लोग वीडियो लेक्चर्स उन उन टॉपिक के देख लो, वरना क्या करो, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल के जो प्री एग्जाम्स होते थे पहले वाले, ठीक है, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, एसएससी सीजीएल के जो प्री एग्जाम्स होते थे पहले वाले, ठीक है, उसपे 50 क्वेश्चन आते थे रीजनिंग के। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने टाइम टेबल पे डेली आप लोगों को बोलता हूं कि यार डेली का आप लोग क्या करो, डेली का 2 पेपर कर लो। डेली का 2 पेपर सॉल्व करने में गाइज आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का टाइम लग रहा होगा, और 1 घंटे पे आप लोगों के 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे होंगे इजीली। तो ये जो 100 क्वेश्चन जब आप लोग प्रैक्टिस कर ले रहे हो, तो ये रीजनिंग वाला सेक्शन क्या है आप लोगों का पक्का से क्लियर हो जाएगा गाइज, कोई नहीं रोक सकता आपको अगर आप लोग ये कर रहे हो तो। क्यों क्यों, दिन के आप लोग 100 क्वेश्चन कर रहे हो गाइज, 60 डेज का मैंने टाइम टेबल बनाया है, तो ऑन एन एवरेज आप लोग 6,000 क्वेश्चन सॉल्व करके जब पेपर पे बैठ रहे हो तो आप लोग उसे आराम से कर दोगे, क्लियर। अच्छा, जीके का हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा था, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का गाइस, जीके एकदम लेवल 1 का पेपर आता है। अब ये नहीं है कि, सी मैं बता रहा हूँ, लोग 3 महीने में आईएएस के प्री एग्जाम्स का जीके खत्म कर देते हैं, तो आरआरबी एनटीपीसी का तो क्या है गाइस, अगर मैं सही बात बोलूँ तो, अगर जैसे साइंस वाला सब्जेक्ट है फिजिक्स ले लो, फिजिक्स आरआरबी के एनटीपीसी के लिए फिजिक्स को पढ़ने में आप लोगों को 1 दिन में आप पूरे फिजिक्स को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, क्या है, फिजिक्स पे कुछ भी नहीं है, केमिस्ट्री पे कुछ भी नहीं है, चलो बायो में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है,
पॉलिटी पे कुछ नहीं होता, इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल होती है, पॉलिटिक्स सिंपल होती है, ज्योग्राफी बहुत सिंपल है, हिस्ट्री में थोड़ा चीजों को याद रखना पड़ेगा, उस पे भी वही इतना बेसिक क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं कि एज सच आप लोगों ने अगर बुक को 3 4 बार पढ़ा है ना, सी याद भी नहीं किया है, ठीक है, बुक को 3 4 बार पढ़ा ही हुआ है तब भी आप लोग उन क्वेश्चन को कर दोगे, क्लियर? तो जीके से मत घबराओ गाइस, जीके आप लोग कर लोगे, ठीक है। जो 60 डेज का मैं आप लोगों को टाइम टेबल दे रहा हूँ उस पे आप लोगों को पूरा मैं जीके जीके क्या सारा सिलेबस, जितना भी सिलेबस है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, वो सारा सिलेबस कवर करा दूंगा। करंट अफेयर्स के मैं आप लोगों को लेक्चर्स बना के दे रही हूँ टाइम टेबल के स्टार्टिंग पे। जीके पे आप लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैथ्स पे आप लोगों को क्या टॉपिक पढ़ना है उसके लिए मैं आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। रीजनिंग के लिए वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। गाइज आप लोग उन लेक्चर्स को देखो, मेहनत करो, ठीक है। ये सोच के मत बैठो कि मैं सेलेक्ट नहीं हूंगा। गाइज हमेशा ये सोचना है कि मैं सेलेक्ट हूंगा, मैं मेहनत करूंगा। सी भगवान भी आपकी मेहनत को देख रहा है, अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो, कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हो गाइस, तो एग्जाम्स पे भी आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जो क्वेश्चंस आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस किए हुए होंगे, ठीक है। ठीक है, बोलते हैं ना वो लकी था इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया। गाइस कोई लकी नहीं होता जिसके कारण सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। हाँ उसका नाम लकी हो सकता है इसलिए वो सेलेक्ट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। बट क्या है, मेन क्या है, उसके पीछे उसकी मेहनत होती थी, मेहनत है होगी पक्का से होगी, ठीक है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने कूल है बट वो पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, जब वो घर जा रहे हैं तो कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहे हैं, बट आपके साथ जब घूमने आते हैं तो ऐसा बोलते होंगे अबे यार क्या पढ़ना है इसके लिए, ऐसे ही मैं तो ऐसे ही बैठ रहा हूँ। मोस्टली एग्जाम सेंटर पे आप लोग जाओगे तो आप लोगों को ऐसे स्टूडेंट्स दिखेंगे। सी पढ़ता हर कोई है, ठीक है। मैं बता दूं अगर आपका फ्रेंड है ना, आपका फ्रेंड आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, क्यों? क्योंकि वो आपसे ज्यादा पढ़ रहा है, क्लियर। बट वो जब आपसे मिलेगा ना तो क्या बोलेगा, अरे मैंने यार मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैं तो ऐसे बस उठ के बैठ रहा हूं पेपर देने, ठीक है। हर कोई यही बोलेगा, और अगर आप उनकी बात मानते हो और आप सोचते हो कि वो उठ के बैठ के आ गया और उसका सिलेक्शन हो गया, मैं भी उठ के बैठ के जाऊंगा, मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो गाइस ऐसा नहीं है। बिना पढ़े तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। इतने सही तुक्के तो किसी के लग ही नहीं सकते, एक बार लग जाएगा इसीलिए प्री क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं मेंस में थोड़ी लगेगा, इतनी अच्छी किस्मत किसी की नहीं हो सकती है फ्रेंड्स। तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत करनी ही पड़ेगी आप लोगों को। चलो एक गाइडेंस मिल जाए तो एक स्मार्ट मेहनत हो जाती है, उससे क्या होता है कि उससे सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर थोड़ा स्मार्टली वर्क किया जाए। सी चीजों को क्या है ना, सपोज मैं अगर मैं से ग्रेविटेशन एक चैप्टर है, मैं जैसे मैंने आज सुबह आप लोगों के साथ डिस्कस किया, मैं उसे पढ़ने जाता हूं तो अब ग्रेविटी पे सी अर्थ अब रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर अर्थ रोटेट करता है तो ग्रेविटी चेंज होती जाती है, क्लियर, ठीक है। अब मैंने इसके लिए बस मुझे ये पता होना चाहिए कि यार अर्थ रोटेट करती है तो ग्रेविटी क्या होती है, इक्वेटर में कम होती है और पोल की तरफ जैसे मैं मूव करता जाऊंगा तो ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, जो जी है वो बढ़ता ही जाएगा। अब इसके लिए क्या है, अब सेम कंसेप्ट मैंने आपको उसे एक लाइन पे बता दिया, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट को अगर आप लोग फॉर्मूला डिराइव्ड करोगे उसका, ठीक है, और फॉर्मूला इसको याद रखोगे और अलाना फलाना। सी ग्रेविटी का चैप्टर है, मैं ग्रेविटी के चैप्टर को 5 मिनट में पढ़ के खत्म कर सकता हूँ। सेम काम मैं वीडियो लेक्चर में अगर आप लोगों को पढ़ाऊं तो सेम काम मैं आप लोगों को 50 मिनट पे कवर करा सकता हूँ। अगर मुझे उसी चैप्टर को बहुत ही अच्छे लेवल तक पढ़ाना है, मैं चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ा दूं, तो उसी चैप्टर को मैं 3 घंटे में पढ़ाऊंगा गाइस। बट वो 3 घंटे वाला आपके सिलेबस के लिए यूजफुल नहीं है, आपके सिलेबस के लिए वही यूजफुल है जो कि 5 मिनट पे कवर कर दिया गया, क्लियर। तो एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करनी होती है, ना कि क्या खुद को संतुष्ट करने के लिए प्रिपरेशन करनी है, क्लियर। होता क्या है, बच्चे लोग एक चैप्टर खोलते हैं, मैं बता रहा हूं ये इंडिया में 90% स्टूडेंट्स के साथ सेम प्रॉब्लम है, जो चैप्टर उन्हें पसंद होगा वो वही चैप्टर प्रैक्टिस करता जाता है बार 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 बार, ठीक है। जैसे मान लो किसी को एलजेब्रा पसंद है, उसे एलजेब्रा आ गया, ठीक है, एलजेब्रा के उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है,
वो क्या करेगा, वो जब भी चैप्टर खोलेगा, जब भी बोलेगा रिवाइज करना है, तो वो कौन से चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करेगा, अपने एल्जेब्रा से स्टार्ट करेगा। लिख के दे सकता हूं 100 में से 90 स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं। जबकि करना क्या चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को करना चाहिए जो चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आता है आप लोगों ने वहां से स्टार्ट करना चाहिए अपना रिविजन। सपोज करो एल्जेब्रा अच्छा से आता है, बट मुझे क्या है, मुझे ज्योमेट्री के कंसेप्ट मेरे क्लियर नहीं है। तो जब आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट करो तो ज्योमेट्री से स्टार्ट करो, एल्जेब्रा तो आपको आता ही है, उसे बार बार रिवाइज करके क्या हो जाएगा, ठीक है। एल्जेब्रा कैसे एग्जाम में सपोज करो कि 5 क्वेश्चन आ गए एल्जेब्रा के, ठीक है, आपने 5 के 5 सही कर दिए, तो आपको कोई मेडल थोड़ी देने वाला है कि इसने एल्जेब्रा के सारे 5 सही करे, ठीक है, वहां तो नंबर का गेम है गाइज, ठीक है। जबकि आपने सी बार बार एल्जेब्रा ना पढ़ के आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होता और ट्रिग्नो से ज्योमेट्री पढ़ा होता, ज्योमेट्री से भी 5 क्वेश्चन आते, ठीक है, और आप यहाँ एल्जेब्रा पे 4 करते, ज्योमेट्री पे 4 करके 8 क्वेश्चन सॉल्व कर जाते, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलते। क्लियर, मेन तो यहाँ पर मार्क्स का गेम है ना गाइज, आप लोगों ने खुद को मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये नहीं है कि दिखाने के लिए कि यार मुझे ये चैप्टर आता है बस उसी चैप्टर को पढ़ते रह जाओगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सारे चैप्टर को पढ़ना है और ये नहीं सोचना कि कोई चैप्टर मुझे आएगा नहीं, गाइस सारे चैप्टर आप लोगों के इजी है, बहुत ही आसान आसान चैप्टर्स है। इनफैक्ट एनटीपीसी में आप लोगों के बहुत ही इजी इजी से क्वेश्चंस आते हैं गाइस। आप लोग टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, जो शेड्यूल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, शेड्यूल भी मैं टफ नहीं बनाता हूँ, इतना सिंपल शेड्यूल देता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट अभी तो जो मैं शेड्यूल बना रहा हूँ उस पर मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, ताकि आप लोग फटाफट पढ़ सकते हो यार चीज़ों को। 4-5 पेज होते हैं फिजिक्स के डेली, मैं आप लोगों को 3-4 पेज देता हूँ, पॉलिटी के 3-4 पेज दे देता हूँ और ज्योग्राफी के 3-4 पेज दे देता हूँ। वो पेज तो अगर इनफैक्ट एक जॉब करने वाला बंदा है जो एनटीपीसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है गाइस, आप लोग भी उन पेज को फाड़ के अपने साथ दिन भर जेब में रखो, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ एक और बात, सी अब टाइम थोड़ा कम है तो आप लोग नोट्स लिखने मत बैठ जाना, ठीक है। नोट्स लिखने से अच्छा मैं आप लोगों को बताता हूं क्या होता है। सी हम लोगों ने कुछ चीज पढ़ा, सपोज मैंने पढ़ना था 100 चीज पढ़ना था मुझे एक टॉपिक के अंदर, मैंने उसे पढ़ा और मैंने सी एक बार जब पढ़ा ना तो 100% कोई भी नहीं समझ सकता चीजों को, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उस टाइम मुझे से 70% समझ में आया, उन 70% को मैंने नोट्स पे लिख दिया, जो 30% छूटा हुआ था ना वो मैं दोबारा कभी पढ़ूंगा ही नहीं, तो वो 30% मैं कभी दोबारा समझ ही नहीं पाऊंगा, समझ रहे हो ना। जबकि यही काम अगर मैं पहली बार में कोई मैंने चैप्टर पढ़ा था उसमें से 100 में से मुझे 70% चीज समझ में आया था, उस पे आप लोग वहीं पे नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। जब दोबारा पढ़ोगे गाइस तो आप लोगों ने दोबारा पूरे चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है, रीड थ्रू तो करना है, ठीक है। दोबारा जब पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको रियलाइज होगा कि यार ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीछे मैंने इसके बारे में पढ़ा था, ये वहां से लिंक्ड हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसे भी लाइन कर सकते हो, और जो लाइन आप लोगों ने पहले रीडिंग पे करा था उस पर थोड़ा फोकस देकर और पढ़ना है। इस तरह से आप लोग किसी टॉपिक को 3 से 4 बार जब पढ़ लेते हो ऑटोमेटिकली वो चीज आप लोगों को याद होने लग जाती है, रटने की जरूरत नहीं होती है, किसी चीज को समझ के पढ़ो, ठीक है। ये सारी स्टोरीज है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब चीज स्टोरी है, उसे पढ़ना है, वो आप लोगों को समझ में आने लगेगा। एग्जाम्स पे तो ऑप्शन भी रहते हैं गाइज, ऑप्शन देखोगे तो समझ में आने लग जाएगा आप लोगों को, क्लियर। तो इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। बस मेरा तो मानना यही है कि एक सीरियस कैंडिडेट जो कि अच्छे से पढ़ता है गाइज, उसका इस बार पक्का 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है। और एसएससी सीजीएल स्टूडेंट्स भी यार आरआरबी एनटीपीसी के लिए पढ़ लो आप भी, ठीक है। ये मत रहो खुद को एक एक जगह कन्फाइंड नहीं करना कि बस मैं इसी चीज के लिए बनाऊं, ठीक है। आप अगर खुद को सोचते हो ना कि नहीं मैं बस इसी चीज के लिए बनाऊं गाइस, वैसा कभी नहीं सोचना है। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उस अपॉर्चुनिटी को पूरे तरीके से अवेल करने का, उसे उस मतलब उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करनी है, क्लियर गाइस, ठीक है। तो मेहनत करो फ्रेंड्स, ठीक है, जितना मेहनत हो सकता है मेहनत करो, ठीक है। सी डाइवर्ट करने के लिए आईपीएल के सीजन आ रहे हैं, ठीक है, इसी टाइम पे सारे मैच होंगे, ठीक है। एक आईपीएल का मैच आप लोगों को 1 मार्क्स कम कर सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है।
एक आईपीएल का मैच देखोगे, 3 घंटे आप लोगों के जाएंगे उस पे, उन 3 घंटे पे आप लोग कोई एक चैप्टर पढ़ के उस पे एक नंबर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो 50-60 मैच जितने भी होंगे आईपीएल में, अगर 50 मैच देखते हो तो 50 नंबर आपके कम मान के चलो, क्लियर। तो अभी इस टाइम आप लोगों ने डाइवर्ट नहीं होना है कहीं भी, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस करना है, ठीक है, जितना हो सके गाइस। मतलब कहते हैं ना कि बस जी जान से जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कर डालो, ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम पे बहुत कम आती है, तो इससे अवेल करना है, जॉब लेना है। उसके बाद आप लोगों को कोई नहीं रोकता, आप उसी जॉब से सेटिस्फाई हो तो उसी जॉब में कंटिन्यू रखो, वरना अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, और फिर एक कॉन्फिडेंस का लेवल खुद ब खुद बूस्ट हो जाता है। एक बार कोई एक स्टेबल जॉब मिल जाए तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, फिर उसके बाद आप चाहे तो आईएएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, ठीक है, या कोई हायर पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, और उन पे आप लोगों का जनरली सिलेक्शन भी हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जनरली वही बच्चा सेलेक्ट होता है जो कि कहीं पे जॉब कर रहा होगा, है ठीक है। जनरली यूपीएससी के कैंडिडेट सारे वर्किंग प्रोफाइल वाले ही रहते हैं। क्यों होते हैं वर्किंग प्रोफाइल वाले गाइस? या तो फर्स्ट टाइमर होता है या वर्किंग प्रोफाइल होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइमर क्या होता है, फर्स्ट टाइमर में फुल एंथुजियाज्म के साथ वो लोग जा रखे होते हैं, प्रिपेयर करते हैं, क्लियर कर देते हैं। सेकंड कौन होते हैं, वो जॉब प्रोफाइल वाले में होते हैं, वो अच्छे जॉब पे होते हैं, उन्हें टेंशन होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेते, इसलिए सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है गाइज। तो मेहनत करो गाइज, मेहनत का और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बाकी ऑनलाइन गुरुजी चैनल हमेशा आपके साथ है, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं भी तो आप लोग मेरे से टच पे आ सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लोग अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, और अगर प्रॉब्लम जेन्युइन हुई तो मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ, उसी कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, सारे कमेंट्स मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ू पढ़ू पढ़ू, बट बहुत टाइम मिस भी हो जाते हैं बहुत सारे कमेंट्स, ठीक है। तो जब मैं बाद में पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसकी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया, ठीक है गाइस। प्रॉब्लम हो तो कमेंट पे लिख दिया करो फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है, टेलीग्राम का भी ग्रुप है ऑनलाइन गुरुजी के, उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्लियर। और आप लोगों का जो डेली टाइम टेबल के शेड्यूल है वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसे भी देख लेना, अगर आप लोगों को अच्छा लगे 1-2 दिन फॉलो करके देखना, अगर अच्छा लगे तो उसके साथ कंटिन्यू रहना, क्लियर गाइस। ओके, आज के लेक्चर पे इतना ही डिस्कस करते हैं। आप लोगों का 22 मिनट 22 सेकंड मैंने ले लिया, ठीक है, बट इन 22 मिनट को देने के बाद अगर आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, अगर इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप लोग कुछ गलत कर रहे थे उसे आप लोग सही करते हो, अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि आईपीएल देखूंगा और अपना 220 घंटा वेस्ट करूंगा, और इस लेक्चर को देखने के बाद आप लोग सोचते हो कि नहीं आईपीएल नहीं देखूंगा, तो इन 22 मिनट ने आपके 220 घंटे बचा दिए, क्लियर गाइस। इसीलिए इस टाइप के वीडियोस कंटिन्यूअसली कुछ कुछ टाइम बाद मैं बनाता रहता हूं कि मोटिवेशन का लेवल आप लोगों का जो है एंथुजियाज्म है, जो मोटिवेशन है, जो कि आप लोगों की क्या कहते हैं उसे, एक बोलते हैं ना, वर्ड ही नहीं आ रहा, छोड़ो, ठीक है, तो वो एक एंथुजियाज्म का लेवल बनाए रहे और आप अपना 100% देके एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, क्लियर गाइज। ओके, थैंक यू।